You don't want any part of this. हेलो गाइस, वेलकम टू दी जेमेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑफिशियली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। तो फाइनली ये ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ट्रेलर काफी कमाल का था। तो देन सबसे पहले तीन वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सच निकली। मैंने आपको काफी टाइम पहले न्यूज दी थी कि इस स्पाइडरमैन के ट्रेलर में और इस मूवी में आपको हैप्पी और आंट मे का चक्कर दिखाया जाएगा, यानी कि वो आपस में प्यार कर लेंगे इस मूवी में और पॉसिबिलिटी होगा कि शायद हैप्पी स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की फैमिली का हिस्सा बन जाए। देन उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज, मिस्टीरियो जो इस मूवी का विलेन है वो इसमें एक गुड गाय होगा। मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था और देन आपको बताया था, वो भी चीज इसमें सर्च निकली। देन उसके बाद इस मूवी में काफी ज्यादा विलेन्स होंगे। तो फाइनली हमें चार विलेन तो दिखाई दिए जिसमें लिस्टेड में है मिस्टीरियो। चलिए बात करते हैं और सारे अपडेट की जो कि मैं आपको धीरे धीरे तो बताऊंगा, पर बात करते हैं रिव्यू की कि पर्सनली मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा। तो सबसे पहले इसमें कोई शक ही नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ कहूं या बुराई करूं। पर्सनली ये ट्रेलर इतना फैंटास्टिक खतरनाक था। देन काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहे हैं, भाई फाड़ दी, आग लगा दी, मजा आ गया। देन ये 5:30 या 4 बजे के तो बीच में लॉन्च हुआ नहीं, पर फाइनली जो मैंने आपको सेकंड टाइमिंग बताई थी कि 7:30 से लेकर आपको 10 बजे के बीच में ये ट्रेलर देखने को मिल जाएगा और नेक्स्ट समर ये मूवी धमाल मचाने वाली है। और फाइनली इतनी सारी चीजें पता चली हैं इस ट्रेलर में जो कि धमाल है। और देन काफी लोगों ने अभी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसकी टाइमलाइन क्या है। तो फाइनली एक स्पॉइलर है, अगर चाहो तो वीडियो को हटा सकते हो, जो उसकी जो टाइमलाइनिंग है वो है इन्फिनिटी वॉर से पहले की। अब वो कैसे है इस चीज के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको फुली एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी जो टाइमलाइन है वो इन्फिनिटी वॉर से पहले की क्यों है और क्यों दिखाया इस मूवी में। तो फाइनली बहुत ही मजेदार ट्रेलर था, धमाकेदार, और काफी सारे हमें सूट देखने को मिलेंगे, विलन्स देखने को मिलेंगे, मजा ही आ गया। और देन सीन तो काफी कमाल का। और देन सबसे बड़ी बात यार, लोगों काफी स्टाइल से दिखाया। और अब मैं कह सकता हूँ इस ट्रेलर को देखने के बाद कि एडवांस में तो टिकट मेरी बुक है 100%। तो मूवी जुलाई के महीने में नेक्स्ट समर में धमाल मचाने वाली है। और देन मुझे नहीं लगता कि जुलाई में इससे ज्यादा बेटर कोई मूवी होगी। और पर्सनली आपको ये ट्रेलर कैसा लगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जाते जाते बस एक कहना चाहूंगा कि जैसे एंडिंग में पीटर पार्कर ने थम्स अप का हाथ दिखाया, वैसी मैं कहना चाहूंगा इस ट्रेलर को 5/5, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेलर था। आपको कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में बताओ। और देन जल्दी रिव्यू और प्लस ब्रेकडाउन करता हूँ उसका और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। और देन मजा आ गया। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, और रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।